बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आज के टॉपिक्स की जानिब। आपको पता है चैप्टर नंबर वन नंबर्स को हम पढ़ रहे थे, लेट्स सी आज हमने क्या पढ़ना है। राइट दी नंबर्स, कि ये जो आपको एक स्टेटमेंट बता दी गई है आपने इनके अकॉर्डिंग नंबर राइट करना है। 26,01,2009। आप कैसे लिखेंगे 26 है तो आप 26 को राइट करेंगे, उसके बाद आपने 1,01, फिर आपने 2,002 एंड 9,009। ये जो जीरो आ रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट करने हैं ये नहीं, आप काउंटिंग करेंगे इसलिए अपने जब आपने डिजिट मुकम्मल कर लिया है उसके बाद आप इसकी काउंटिंग करेंगे इस तरीके से 1, 10, 100, 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर आप 10 करोड़ तक पहुंच गए तो देन आपकी ये स्टेटमेंट ठीक होगी, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। आपने इसको इसी वे में लिखना है जो कि पाकिस्तानी वे है, इसके 2 डिजिट्स के बाद आप कॉमा प्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 60,90,62,900। तो आप क्या लिखेंगे, 60 करोड़ है, आप पहले 60 राइट करेंगे फिर कॉमा प्लेस करेंगे, उसके बाद 90 लाख है तो आप 90 राइट करेंगे, उसके बाद 62,000 है आप 62 राइट करेंगे, एंड लास्टली 900 है तो आप 900 राइट करेंगे। कंफर्म करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं आप चेक करेंगे 1, 10, 100, 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद सिमिलरली 8,10,15,205, इसको भी आप इसी वे में लिखेंगे। ये चूंकि 8 करोड़ है, ये बाकी मैं आपके 2 डिजिट्स वाली वैल्यूज आ रही थी, 60 करोड़ में भी 2 वैल्यूज हैं 60, ये ओनली 8 करोड़ है तो आप 8 राइट करने के बाद कॉमा प्लेस करेंगे, फिर 10 लाख है 10 राइट करेंगे, 15,000 है 15 राइट करेंगे, 205 है तो आप लास्ट पर 205 या 205 लिखेंगे। कन्फर्म करने के लिए आप इसको काउंटिंग के वे में चेक करेंगे, अगर आप करोड़ तक पहुंच गए तो आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है 99,381, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 99, उसके बाद आप 0 इंसर्ट करेंगे यानी कि 0 आप राइट करेंगे, एंड देन लास्ट इज 381, और फिर बाद में आप इसको काउंट करके चेक करेंगे, अगर आप 10 करोड़ तक पहुंच गए तो देन आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, चेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पीरियड्स। आपने इसको इंटरनेशनल वे में जो है चेंज करना है। आपको पता है कि इंटरनेशनली अगर हम नंबर्स को डिस्कस कर रहे हो तो हमको 3 डिजिट्स के बाद कॉमा स्टार्ट करते हैं, तो ये आप इसमें आपने एक स्टेटमेंट है कि 2 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस कर रहे हैं, आपने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करना है, 253 कॉमा, फिर 100 उसके बाद कॉमा, 536 देन आपने वैल्यू स्टॉप कर देनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको एक वैल्यू बताई गई है, आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ 3 डिजिट्स के बाद कॉमा राइट करना है, फिर 3 डिजिट्स के बाद राइट करना है, एंड लास्ट के जो भी डिजिट्स बचते हो आपने उनको वैसे छोड़ देना है। इसी तरीके से 3 है, 4, 5 ये ऑल एंड ऑल क्वेश्चन इसी वे में, सिर्फ आपने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा राइट करना है तो आप इंटरनेशनल वे में इस वैल्यू को लिख पाएंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।